हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिजाइन कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉलम के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम व्हाट इज कॉलम और फंक्शन ऑफ द कॉलम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट वर्टिकल मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ द इट्स लीस्ट लैटरल डायमेंशन कैरिंग कॉम्प्रेसिव लोड इज कॉल्ड एज कॉलम। ठीक है, अब फंक्शन देख लो। कॉलम ट्रांसफर द लोड फ्रॉम बीम एंड स्लैब टू द फुटिंग और द फाउंडेशन। ठीक है, ये फंक्शन था। अब देखो, बेस्ड ऑन द शेप कॉलम के टाइप्स, फर्स्ट टाइप है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर कॉलम्स। ठीक है, इमेज में एग्जांपल देख लीजिए। अब देखो, दे आर जनरली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स विच आर कॉमन इन द प्रैक्टिस। दीज टाइप ऑफ द कॉलम्स आर प्रोवाइडेड ओनली इफ द शेप ऑफ द रूम इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, वहां पर हम उसको प्रोवाइड करते हैं इस टाइप के कॉलम्स। उसके बाद में देखो, इट इज वे मच इजियर टू कंस्ट्रक्ट एंड कास्ट रेक्टेंगुलर और सर्कुलर कॉलम्स देन दी सर्कुलर कॉलम्स। देखो, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम्स इजी होते हैं कास्ट करने के लिए मोर कंपेयर टू द सर्कुलर कॉलम्स। ठीक है, द स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर कॉलम्स आर द बेटर एंड लेस्ट कॉस्ट इन द कास्ट। ठीक है, कास्ट करने के लिए कम कॉस्ट लगता है। सेकंड टाइप है सर्कुलर कॉलम्स। देखो, सर्कुलर कॉलम का जो एग्जांपल है आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। उसके बाद में देखो, दे आर स्पेशली डिजाइन कॉलम्स एंड मोस्टली यूज इन द पिलिंग एंड इलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग्स। ठीक है, अब देखो व्हाई वी आर यूजिंग इन द इलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग्स, बिकॉज इन ऑर्डर टू अवॉइड द एजेस वी यूज दिस टाइप ऑफ द कॉलम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद में देखो, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द सिट आउट एरियाज, ऑडिटोरियम हॉल्स, फायर असेंबली जोन्स। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप है वो है एल टाइप कॉलम्स। ठीक है, एल टाइप कॉलम्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, दे आर जनरली यूज्ड इन द कॉर्नर्स ऑफ द बाउंड्री वॉल्स। कॉर्नर्स ऑफ द बाउंड्री वॉल्स, वहां पर हम एल टाइप कॉलम कास्ट करते हैं। दिस काइंड ऑफ द कॉलम्स आर वेरी लेस यूज्ड। नेक्स्ट टाइप है डी टाइप, टी टाइप ऑफ द कॉलम्स। ठीक है, टी टाइप ऑफ द कॉलम्स में देखिए, दिस काइंड ऑफ द कॉलम्स इज यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन रिक्वायरमेंट्स एंड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेस। ठीक है, इस टाइप के जो कॉलम्स है वहां पर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है वी टाइप कॉलम्स। देखो, एज अ नेम इटसेल्फ इट शोज केसिंग द कॉलम इज इन द वी शेप एंड जनरली यूज इन द शेप ऑफ रूम इन द ट्रेपेजॉइडल। ठीक है, एज इट्स रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ द कॉन्क्रीट व्हेन कॉम्पैक्टेड टू अदर कॉलम्स। नेक्स्ट टाइप है एफ वाई टाइप ऑफ द कॉलम्स। इमेज में एग्जाम्पल देख सकते हैं वाई टाइप ऑफ द कॉलम्स का। देखो, दिस टाइप ऑफ द कॉलम्स आर जनरली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, ईटीसी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है हेक्सागोनल कॉलम्स। ठीक है, हेक्सागोनल कॉलम्स कैसे होते हैं इस इमेज में देख लीजिए। अब देखो, हेक्सागोनल कॉलम्स आर जनरली मॉडिफाइड कॉलम्स। इट हैज 6 साइड्स एंड इट गिव्स गुड पिक्टोरियल व्यूज एंड जनरली यूज इन द एलिवेशंस। ठीक है, इट इज अडॉप्टेड टू गिव अ गुड लुक टू द कॉलम। ठीक है, अब इट इज जनरली प्रोवाइडेड इन द ओपन वरांडाज, ऑडिटोरियम्स एंड सिनेमा हॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आर टाइप कॉलम्स। इसमें देखो, दिस टाइप ऑफ द कॉलम्स आर यूज व्हेन द रूम हैज शेप ऑफ द आर्क। ठीक है, उसके बाद में देखो, इट इज अडॉप्टेड वेयर देर इज अ नो चांस ऑफ द बिल्डिंग स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर और सर्कुलर टाइप ऑफ द कॉलम्स। वहां पर हम आर टाइप कॉलम्स यूज करते हैं। इट इज रेयरली यूज एज इट पोजेस वेरी डिफिकल्ट इन द केसिंग। ठीक है, अब तो इस वीडियो में बस इतना ही था।
हम देखने वाले थे टाइप्स ऑफ द कॉलम्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फेसबुक वॉल पे शेयर कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए बाय।